हेलो स्टूडेंट्स पॉलिटेक्निक पाठशाला पे एक बार पुनः आपका स्वागत है जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम क्लासिफिकेशंस ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे उस क्लासिफिकेशंस ऑफ पीरियोडिक टेबल्स में हमने डोबरनियर का थ्रेड्स रूल पढ़ा न्यूलैंड्स का ऑक्टर रूल पढ़ा और मैंडलीप्स पीरियोडिक टेबल पढ़ा अब इसमें जो है हम जो आपका एक नया कॉन्सेप्ट है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ या फिर हम बोल सकते हैं पीरियोडिक टेबल इस पर सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है क्या है पीरियोडिक टेबल्स के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे क्योंकि आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल से ही सारे चीज़ें सारी चीज़ों कहने का मतलब है कि इन्हीं तत्वों को ही कंबाइन करके बहुत सारे कंपाउंड बहुत सारे हम बोल सकते हैं मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन किया गया है तो आज हम लेक्चर नंबर फाइव स्टार्ट करेंगे हुँ? तो आइए हम स्टार्ट करते हैं

क्या बदलाव किए गए अभी तक सारे जो वैज्ञानिक थे टेबल पे यही माने बात कर रहे हैं कि जो तत्व हैं वो परमाणु भार के आधार पे जो है उसको एक बढ़ते हुए पैटर्न में रखा गया है तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उसके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं लेकिन परमाणु भार के आवर्ती फलन न होकर अब जो है एक फिजिक्स के साइंटिस्ट जिनका नाम था साइंटिस्ट मोजले उनके द्वारा जो है ये मॉडर्न मॉडर्निक ला के कुछ रूल्स बताए गए वो क्या है तो हम वही देखेंगे यहाँ पे आज देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि इन नाइनटीन थर्टीन माना उन्नीस सौ तेरह में हेनरी मोजले इन इंग्लिश साइंटिस्ट अरेंजमेंट या फिर हम बोल सकते हैं कि अरेन्ज द एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग वॉट्स आपसे बोला जा रहा है कि इंक्रीजिंग एटॉमिक क्या इंक्रीजिंग एटॉमिक्स नंबर एंड सो डैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर क्या एटॉमिक्स नंबर तो ये बात जो है आपसे ये कही जा रही है कि मैंने आपको ये बोला कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ स्टेट दैट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर अ पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक क्या नंबर अब एटॉमिक मास नहीं आप बोल रहे हो कि जो ये माने साइंटिस्ट मोजले ने 1913 में ये एक कॉन्सेप्ट दिया कह रहे हैं कि जो हम तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रख रहे हैं और कुछ उसमें जो है केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम पा रहे हैं अब जो है यही माने जो तत्व हम व्यवस्थित कर रहे हैं उसको एक नंबर है जिसको हम बोलते हैं परमाणु क्रमांक या फिर एटॉमिक नंबर उसके आधार पर अगर हम व्यवस्थित करेंगे तो उसके आधार पर व्यवस्थित करने पे यह पाया गया कि जो तत्वों का भौतिक तथा रासायनिक गुण है वो जो है परमाणु क्रमांक के क्या है आवर्ती फलन है तो यह कहा जा रहा है परमाणु क्रमांक या मैं बोल सकता हूं परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं तो इस चीज को यह कहा कहा जा रहा है या फिर आप इस तरीके से बता सकते हैं कि इज़ इज़ जो है क्या बोल सकते हैं इसी को हम बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और दिस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स कंटेन कहा जा रहा है दिस टेबल हैज 18 क्या वर्टिकल कॉलम जिसको आप क्या बोलते हैं ग्रुप्स बोलते हैं और वहां पे अभी पीछे आपने पढ़ा है कि टोटल कितने ग्रुप से जो है वहां पे आपको बताया गया थे एट ग्रुप्स थे और सिक्स पीरियड्स थे तो अब यहाँ पे आपको जो है जो मॉडर्न पीरियडिक लॉ बताया जा रहा है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ाया जा रहा है उसमें तो यही कहा जा रहा है कि द पीरियॉडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इज नोन एज क्या बोल सकते हैं कि मॉडर्न पीरियॉडिक टेबल या और यहाँ पे बोल रहे हैं कि दिशेबल्स हैज़ एटीन वर्टिकल कालम्स एज ग्रुप सेवनजेंटल अब यहां पर आप बताओगे? कि number, same, क्या बताओगे सेम नंबर इलेक्ट्रॉन अकर एट अ रेगुलर इंटरवल्स अभी जो है इसको हम बताएंगे तो दस जो है देयर इज अडिस का मतलब क्या है रिपीटेशन अब जो जो बार बार जो ये रिपीट करे ठीक है तो ये कह रहे हैं

हेनरी मोजल मोजले एक अंग्रेजी वैज्ञानिक थे या एक अंग्रेज के वैज्ञानिक ने तत्वों को उनकी बढ़ती परमाणु संख्या के क्रम में व्यवस्थित किया और दिखाया कि तत्वों के जो भौतिक तथा रासायनिक गुण हैं उनकी परमाणु माने क्रमांक या फिर हम बोल सकते हैं परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं बढ़ती परमाणु संख्या के आधार पर तैयार माने हम बोल सकते हैं कि तैयार तत्वों की आवर्त सारणी को हम क्या कहते हैं आधुनिक आवर्त सारणी के रूप में जाना जाता है इस तालिका में समूह में समूह के रूप में मैंने बोला था कि अठारह उर्ध्वाधर स्तंभ माने इस तरीके से इस तरीके से उर्ध्वाधर स्तंभ और जो है कहा जा रहा है जिसको हम और जो है क्या बोला जा रहा है और सात क्षैतिज पंक्तियां क्षैतिज पंक्तियां कहने का क्या, क्या मतलब है आपका कुछ इस तरीके का बात समझ रहे हो तो सात क्षैतिज पंक्तियां हैं इस प्रकार तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में एक आवृत्ति माने पुनरावृत्ति है यह आवृत्ति उनके रासायनिक गुणों में क्या आवृत की ओर ले जाती है दरअसल समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्व समान रासायनिक गुण दिखाते हैं अब इसको आप किस तरीके से जान सकते हैं तो यहाँ पे देखिए जैसे हम इसको ये, ये बता सकते हैं Let's suppose, Dad, जैसे हम कहें आपसे कि लिथियम लिथियम को अगर आप लिख रहे हो तो ये हो जाएगा आपका क्या अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फुग्रेशन लिखें क्या लिखें इलेक्ट्रॉनिक कंफुग्रेशन सपोज तो अब जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा आप इसको लिखोगे टू वन फिर उसी तरीके से हम अगर सोडियम की बात करें तो ये क्या है टू एट वन फिर यहाँ पे हम अगर बात करें पोटेशियम की तो टू एट एट, एट क्या हो जाएगा टू एट एट वन। तो यहां दिख रहा है कि आपको इन सबके जो है जो बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन है वो क्या आ रहे हैं सबके जो बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन है सब में जो है एक एक इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं माने ये जो है जो तत्व व्यवस्थित किए गए हैं यही कहा गया आपसे कि माने हमने कहा कि इस प्रकार तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में एक आवृत्त माने बार बार जो है देखना है कि उसके सबके जो है लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ही आ रहा है संख्या तो बढ़ रही है लेकिन जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो एक ही आ रहे हैं तो ये कहा जा रहा है कि इस प्रकार तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आवृत्त यह आवृत उनके रासायनिक गुणों में जो है क्या आवृत्त क्यों ले जाते हैं दरअसल समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों के समान रासायनिक गुण दिखते हैं तो यहाँ पे ये कुछ चीजें आपको बताई गई फिर आप यहाँ पे बता सकते हो कि देखो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स है एंड ये कह सकते हैं ऑफ एलिमेंट्स लॉन्ग पीरियोडिक टेबल इसी को बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म में अब इस पीरियोडिक टेबल्स में ही आपको पता है कि सारे कॉन्सेप्ट और सारी चीजें जो है इसी पीरियोडिक टेबल से लेनी होती है तो अब जो है इस पीरियोडिक टेबल्स में आपको हमने बताया था कि इस पीरियोडिक टेबल्स में जो है जो तत्वों को रखा गया वो परमाणु क्रमांक के, के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है और ये पाया गया है कि जो तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण है वो परमाणु क्रमांक आवर्ती फलन है और फिर मैंने आपको बताया कि इसमें अट्ठारह क्या होते हैं आपके ग्रुप्स होते हैं तो ये ग्रुप्स आप काउंट करेंगे 1, 2, फिर यहां पे देखिए थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एंड क्या 18. और सेवेंथ आपके पीरियड्स हैं फर्स्ट पीरियड सेकेंड पीरियड थर्ड पीरियड फोर्थ फिफ्थ सिक्स एंड वर्थ सेवन और फिर यहां पे जो है दो आपके पार्ट इस तरीके से अलग किए गए हैं मेन टेबल से तो अब जो है इसी टेबल्स में ब्लॉक्स, ब्लॉक। तो ये जो है जो फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप होते हैं इसको बोलते हैं हम क्या एस ब्लॉक क्या बोलते हैं एस ब्लॉक क्या बोलेगे एस ब्लॉक और फिर ये जो है आपका जो तेरह से लगाए अठारह तक है इसको बोलते हैं क्या पी ब्लॉक क्या बोलते हैं पी ब्लॉक और फिर यहाँ पे जो आपका यहां से यहां तक मैंने कहा एलिमेंट है इसको हम बोलते हैं क्या पी ब्लॉक ये आपका जो है डी ब्लॉक है क्या है डी ब्लॉक है इसी को हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट और ये फिर जो आपका नीचे यहाँ पे पार्ट बचा हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं एफ ब्लॉक क्या बोलते हैं एफ ब्लॉक तो ये जो है चार ब्लॉक इससे कन्वर्ट किए गए हैं इन सबके जो है क्या है मैं इसके कुछ मैंने क्लासिफिकेशन बता रहा हूं इसी पीरियोडिक टेबल्स में जो है आप ये एट प्रेजेंट टाइम या एट दैट टाइम हम बोल सकते हैं कि 118 एलिमेंट पाए जाने की बात हम क्या करते हैं करते हैं इसमें तो अब जो है मैंने इसके कुछ स्पेशल नाम भी हैं जो जो ग्रुप्स हैं जैसे इसको हम बोलते हैं क्या एल्कलाइन अर्थल ये जो है आपका क्या है एल्कलीज मेटल ये एल्कलाइन अर्थ मेटल है फिर उसी तरीके से इसको हम बोलते हैं बोरान फैमिली ये कार्बन फैमिली नाइट्रोजन फैमिली ऑक्सीजन फैमिली ये आपका हेलोजन फैमिली है इसको बोलते हैं क्या इनर्ट गैस नोबेल गैस या फिर जीरो ग्रुप ये जो है इस तरीके से इसके कुछ नाम है ठीक ना जिनको हमको याद करना होता है फिर उसी तरीके से अभी जब आप इसके इसके क्लासिफिकेशन देखोगे तो देखिए ये तो यहाँ पे पूरा जो पार्ट्स है वो हम यहाँ पे आपको समझा रहे हैं अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है आपसे

सात तक क्रमित किया गया है फिर आप यहां पे बताएंगे द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स नोन टू अस अबाउट 114 देखिए कई सारे बुक में 114 118 की बात कही जाती है तो ये कह सकते हैं कि टूडे इज अबाउट 114 हंड्रेड फोर्टीन देर आर नाइनटीन एलिमेंट्स विच अकर जो है क्या है नेचुरल अकरिंग एंड रेस्ट आर जो है मैन मेड एलिमेंट्स तो कहा जा रहा है आज तक कुल ज्ञात तत्वों में जो है तकरीबन लगभग जो 118 तत्व हैं उसमें जो है 90 से ज्यादा जो है जो तत्व हैं वो हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक ने हमको दिया हुआ है और कुछ जो है जो उसके बाद जो बाकी है एलिमेंट्स वो सब जो है मानव ने अपने द्वारा बनाया हुआ मानव निर्मित जो है तत्व तो हैं फिर यहाँ पे आप बता सकते हैं कि फर्स्ट पीरियड है जो two, क्या मैंने बोला कि फर्स्ट जो पीरियड होता है उसमें केवल दो ही एलिमेंट होते हैं ये कैसे तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो फर्स्ट पीरियड है फर्स्ट पीरियड में केवल देखिए ये हाइड्रोजन और कौन सा हिलियम केवल दो ही एलिमेंट पाए जाते हैं फिर उसी तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जो आपका क्या है कि यहां पे ये यह बोल सकते हैं कि फर्स्ट पीरियड हैज ओनली एलिमेंट्स दिस इज कॉल्ड वेरी वेरी शॉर्ट शॉर्ट पीरियड पीरियड इसको बोलते हैं सेकेंड एंड थर्ड पीरियड्स हैव जो है एट एलिमेंट्स ईच अब जो है कैसे तो इसको यहां पे देख सकते हैं आप कहा जा रहा है कि सेकेंड एंड क्या थर्ड तो सेकेंड और थर्ड में जो है आठ आठ तत्व तो पाए जाते हैं कैसे देखिए लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरिन न्यून काउंट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एट ये आपका क्या है सेकेंड ग्रुप है क्या है सेकेंड पीरियड uh, है तो इसको करिए. क्या? Three, four, five, six, seven, eight. आ रहा समझ में? तो ये जो है इस तरीके से ये क्या है थर्ड पीरियड है तो अब यहां पे आप क्या जो है ये बताना चाह रहे हैं तो देखिए कहा गया कि इट पीरियड एंड देयर आर इसको हम बोलते हैं कि शॉर्ट पीरियड जो फर्स्ट पीरियड है उसको हम बोलते हैं शॉर्ट uh, पीरियड और सेकेंड और जो थर्ड पीरियड है उसको हम बोलते हैं शॉर्ट पीरियड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड एटीन एलिमेंट्स इच तो दीज आर जो है हम क्या बोल सकते हैं ंग पीरियड इसको हम क्या बोलते हैं लॉन्ग पीरियड होते हैं और सिक्स पीरियड में जो है आपके बत्तीस एलिमेंट पाए जाते हैं जिसको हम बोलते हैं इट हैज इट इज अ लॉन्ग पीरियड एंड सेवंथ पीरियड इज नॉट कंप्लीटली जो है क्या फिल्डेड माना सेवेंथ पीरियड जो है अभी पूरी तरीके से भरा नहीं है इस वजह से उसको हम बोलते हैं इनकंप्लीट पीरियड क्या बोलते हैं इनकंप्लीट पीरियड या बोल सकते हैं इनकम्प्लीट लॉन्ग पीरियड तो यही कह रहे हैं हमने कि पहली आवर्त में केवल दो तत्व होते हैं वह बहुत छोटी आवर्ती कहा जाता है दूसरी और तीसरी आवर्त में प्रत्येक में आठ आठ तत्व होते हैं ये छोटी आवर्त ये भी है चौथी और पांचवी आवर्त में प्रत्येक में अठारह अठारह तत्व होते हैं ये लंबी आवर्ती है छठी आवर्त में बत्तीस तत्व होते हैं यह एक लंबी आवर्ती है और सातवीं आवर्त पूरी तरह से भरी नहीं है यह लंबी आवर्ती अधूरी है इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं फिर आपको यह बताया जा रहा है कि सम ग्रुप्स आर क्लस्टर्स आर ग्रुप आर आल्सो जो जो है है क्या बोल सकते हैं ड्यू टू द सिमिलरिटीज इन देयर प्रॉपर्टीज माने कुछ समूहों समूहों को समुहुं या समूहों को हम क्या कह सकते हैं उनके गुणों के आधार पर अब यहाँ पे फिर बता सकते हैं फॉर एग्जाम्पल तो ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स लाइक लिथियम सोडियम पोटेशियम एक्सेप्ट हाइड्रोजन आरमोनाइज इसको हमने अभी जस्ट बताया था आपको उसको क्या बोलते हैं एल्केली मेटल क्या बोलते हैं भाई एल्के मेटल तो आप जो है यहाँ पे बता रहे हैं कि जो आपका क्या है फर्स्ट माने ग्रुप है जिसमें लिथियम सोडियम पोटेशियम एक्सेप्ट हाइड्रोजन को छोड़ के उसको हम क्या बोलते हैं एल्कली मेटल और फिर यहाँ पर कह रहे हैं सेकेंड ग्रुप के जो एलिमेंट होते लाइक बेरेलियम मैग्नीशियम और फिर क्या क्रोमियम आर नोन एज जो है एल्कलाइन अर्थ मेटल तो ये जो है इस तरीके से है फिर हम कह सकते हैं ग्रुप तेरह से लगाए बारह आर नोन एज जो है क्या बोलते हैं उसको ट्रांजिशन मेटल के नाम से जानते हैं फिर यहाँ पे कहा जा रहा है ग्रुप सिक्सटीन एलिमेंट्स लाइक ऑक्सीजन एंड सल्फर आर नोन एज क्या कैकुलोजन ठीक ना तो अब यहां पे कहा जा रहा है कि सेवनटीन एलिमेंट्स लाइक जो है फ्लोर फ्लोर ब्रोमिनोजन अब यहाँ पे कहा जा रहा है ग्रुप एलिमेंट्स लाइक जो है क्या नोबेल गैस इसको गैस के नाम से जानते हैं फिर कहा जा रहा है कि एलिमेंट्स विथ एटोमिक्स नंबर फिफ्टी एट टू सेवेंटीन माने अंठावन से लगा इकहत्तर तक के जो तत्व तो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं लैंथेनाइड या फिर हम बोल सकते हैं कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स फर्स्ट सीरीज फिर इस तरीके से आप बता सकते हैं कि एलिमेंट्स फ्रॉम एटॉमिक्स नंबर 90 से लगाए 103 तक कहां तक 90 से लगाए 103 तक आर नोन एज इसको हम बोलते हैं एक्टेनाइट क्या बोलते हैं एक्टेनाइट या फिर हम बोल सकते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट इसको क्या बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑफ द सेकेंड सीरीज वो फर्स्ट सीरीज ये आपका सेकेंड सीरीज ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन माने ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर कलेक्टिवली नोन एज मेन ग्रुप्स एलिमेंट इसी को हम क्या बोलते हैं जो आपका ट्रांजिशन है और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है उसी को हम किस नाम से जानते हैं मेन ग्रुप एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं तो ये जो है आपका क्या है माने क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हो माने उसी लॉन्ग जो पीरियोडिक टेबल दिया गया उसी के बारे में आप जो है एक एक चीजें जान रहे हो ठीक ना फिर यहाँ पे आपसे क्या बोला जा रहा है कि पोजिशन ऑफ मेटल्स नॉन मेटल्स एंड मेटालाइट ड्रा अ डायगोनल लाइन ज्वाइंट बोरॉन जो है इटॉमिक नंबर फाइव

टू द नॉन मेटेलिक मोर इफ द एलिमेंट इज क्या मैं बोल सकता हूँ फर्दर अवे फ्रॉम द डाइगोनल लाइन एंड अपनी बिगौर रेखा के ऊपर और सबसे दाई और गैर धातु गैर धातु का क्या मतलब है नॉन मेटल है और सिलीनियम एक अपवाद है क्योंकि यह थोड़ा जो है क्या मैंने मेटल की तरह बिहेव करता है देखिए कहा जा रहा है कि ये मेटल के चरित्र को दिखाता है और कुछ जो है क्या बोला जा रहा है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर को अधिक शो करता है यदि तत्व तो बिकर्ड रेखा से दूर और ऊपर होता है अब यहां पर फिर बता सकते हैं द एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल लाइन एंड टू द लेफ्ट आर मेटल्स तो हाइड्रोजन इज एक्सेप्शन बिकॉज इट इज मेटल्स तो आल लेंथेनाइड एंड एक्टेनाइट्स आर क्या मेटल्स जो लैंथेनाइड हैं और एक्टेनाइट्स हैं पीरियोडिक टेबल्स में उसको हम क्या बोलते हैं क्या बोलेंगे

भी ये ये सब सब क्या है ये सब हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों कैरेक्टरिस्टिक को को कैरेक्टरिस्टिक्स क्या करते हैं शो करते हैं उसके व्यवहार उसकी तरह व्यवहार करते हैं अब यहाँ पे कहा जा रहा है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पीरियड अब जो है जब ये आप पीरियोडिक टेबल्स पढ़ रहे हो तो इस पीरियोडिक टेबल्स को बेसिकली दो पार्ट्स में कन्वर्ट किया हुआ है एक आपने पीरियड्स और दूसरा क्या आपने ग्रुप्स में इसको कन्वर्ट किया हुआ है माने एक जो है आप बोल सकते हैं कि आवर्त और दूसरा जो है क्या आप बोल सकते हैं ग्रुप को हम बोल सकते हैं समूह में आपने जो है क्या कर रखा बांट रखा है तो इसके बारे में जो है आपको अभी बताया ही गया है ये थोड़ी सी चीजें और माने उसके अंदर हम जाके थोड़ी सी और चीजें आपको डिस्कस कर देते हैं तो ये कह रहा है कि देयर आर सेवन पीरियड इन पीरियोडिक टेबल्स फर्स्ट पीरियड्स है आपको पता है कि आठ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हा? फिर उस तरीके से बोल सकते हैं इसको हम साठ पीरियड के नाम से जानते हैं फोर्थ और फिफ्थ में जो है अट्ठारह एलिमेंट्स का टेट करते हैं और जो है ये बोला जा रहा है कि सिक्स्थ जो है जो सिक्स्थ एंड सेवेंथ होते हैं उसमें थर्टी टू एलिमेंट्स कंटेंट करते हैं आज पार्ट जो है लॉन्ग पीरियड इसवेंथ वाला जो आपका पार्ट है मैंने सिक्स केवल आप बोलोगे सिक्स में केवल जो है थर्टी टू एलिमेंट्स पाए जाते हैं सेवंथ जो पीरियड होता है वो अभी इनकम्प्लीट है माने 32 के लगभग पाया जाता है लेकिन इनकम्प्लीट पीरियड के नाम से उसको जाना जाता है तो ये जो है आपका माने उसके हिंदी हो गए अब वेरियशन इन अ पीरियड्स ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड अब जो है है कहा जा रहा है कि पीरियोडिक टेबल में दो बातें जो है सामने निकल के आती है जैसे कि अगर आप ये बोल रहे हो कि मान लीजिए ये आपके पास क्या है ये आपके पास ग्रुप है क्या है ग्रुप है और यहाँ पे ये जो है जो इस तरीके से बना रहे हो ये आपका क्या है ये पीरियड्स है तो अब जब जब है क्या कर रहे हैं आप जब जो है ये क्या माने लेफ्ट से राइट की तरफ किधर ये इधर से इधर जा रहे हैं ना लेफ्ट से राइट की तरफ तो क्या क्या जो है बेसिकली वेरिएशन आते हैं क्या क्या चेंजेस को दिखने मिलते हैं क्या प्रॉपर्टीज होती है उनके बारे में थोड़ी सी हम जो है प्रॉपर्टीज को जानेंगे तो अब ये कहा जा रहा है कि जब आप जो है पीरियोडिक टेबल में में लेफ्ट से राइट जाते हो इधर पीरियड्स जो है ये कहा जा रहा है इन पीरियोडिक टेबल्स के अंदर जब आप लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटोमिक नंबर इंक्रीजेज रेगुलरलीटोमिक्स नंबर जो है रेगुलरली क्या होते हैं बढ़ते हैं वो कैसे तो आप यहां पे देख सकते हैं Osionfish. ये देखिए यहाँ पे अब यहां पे देखिए हम क्या कर रहे हैं कि यहां पे हम जो है जैसे लिथियम है लिथियम का जो है एटोमिक्स नंबर यहाँ पे क्या है तीन है बरेलियम का जो है क्या है चार है इसका जो है पांच है इसका छ है तो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है तो ये आपने बोला कि हम्म ये देखिए ये जो है आप यही बोल रहे हो कि एटॉमिक्स नंबर जब लेफ्ट टू राइट आप मूव कर रहे हो तो जैसे जैसे आप मूव कर रहे हो तो जो उसका एटॉमिक नंबर है वो क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है रेगुलरली कर रहा है कि नहीं कर रहा है फिर यहाँ पे कह सकते हैं uh, तो तो है है, है है चार तक बढ़ता है और फिर हाइड्रोजन के संबंध में सुन तक जाके घट जाता है फिर कहा जा रहा है कि साइज ऑफ द एटम ऑफ एलिमेंट एट। डिक्रीज ड्यू टू द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज ऑफ द एटम माने न्यूक्लियर चार्ज ऑफ द एटम इंक्रीज होने की वजह से जो है जो साइज ऑफ द एटम है वो क्या करता है एटम का जो साइज है वो क्या करता है डिक्रीज होता है आ रहा समझ में तो ये चीजें आप यहाँ पे बता सकते हो मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट जो मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है किसमें पीरियड्स में जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो यही कहा रहा है कि वेर इन अ पीरियोडिक टेबल्स मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट डिक्रीज जब आप right करते तो जो मैटेलिक्रीज होता, होता है और नॉन होता है, वो क्या करता है? आपका करता है तो ये जो है आप क्या कर रहे हो उसके कुछ वेरिएशन बता रहे हो जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया अब यहां पे आप कह सकते सकते हैं कि तत्वों का मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक कम हो जाता है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स का इंक्रीज कर जाता है माने बढ़ जाता है फिर आप यहां पे बोल सकते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी कह सकते हैं कि इंक्रीज करता है एनर्जी क्या होता है तो जो है ये कह सकते हैं कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बैलेंस सेल मान लो जो है ये कोई बैलेंस सेल है बैलेंस सेल क्या होता है जो आउटर मोस्टर सेल होते हैं जैसे हम क्या कर रहे हैं सोडियम का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फुग्रेशन इसके जो है ऑर्बिटल के डायग्राम में बना रहे जैसे ये मान लीजिए न्यूक्लियस है ये आपका के सेल ये जो है आपका एल सेल और ये जो है आपका क्या एम सेल तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन घूमते हैं के सेल में तो आपको पता है कि दो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे होते हैं फिर इसमें जो है क्या होते हैं आठ इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने एक दो तीन चार पांच छह सात आठ और ये जो है एक इलेक्ट्रॉन सपोज यहाँ है ये आपका ग्यारह होता ही है तो यही कह रहे हैं कि जो अमाउंट माने अब एक इलेक्ट्रॉन अगर यहां से रिलीज करना हो माने निकलना हो तो यही कहा जा रहा है जो आयनाइजेशन एनर्जी होता है वो इंक्रीज करता है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बैलेंस सेल बैलेंस माने बैलेंस एंड आउटर मोस्ट सेल को बोलते हैं इसी को हम बोलते हैं ये जो है इसके लिए आउटर मोस्ट सेल है क्या है आउटर मोस्ट सेल जरूरत होती है उसी को हम बोलते उसी क्या बोलते हैं उसी को क्या बोलते हैं हम माने आयोनाइजेशन एनर्जी तो ये जो है कहा जा रहा है कि आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो क्या करती है इंक्रीज करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज करती है अब जो है ये कहा जा रहा है कि कुछ डायगोनल रिलेशनशिप आप बता दीजिए डायगोनल रिलेशनशिप कहने का ये मतलब है कि जैसे यहाँ पे आप ये दे सकते हो कि लिथियम की जो कुछ प्रॉपर्टीज है वो मैग्नीशियम की तरह बिहेव करता है और ये जो बरेलियम है वो जो है एलमिनियम की प्रॉपर्टीज और जो ये क्या है बोरान है वो सिलिकॉन की तरह जो है बिगड़ की तरह वो करता है तो यही कहा जा रहा है कि मैंने ये आपसे कहा कि डायगोनल रिलेशनशिप सम एलिमेंट्स ऑफ द सेकेंड पीरियड

तो एलिमेंट सोज रिलेशनशिप ड्यू टू देयर क्या बोल सकते हैं कि similar polarizing power and, जो 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 है 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 हम बोल सकते हैं charge and radius. माने ये diagonal relationship इस वजह से होता है, क्योंकि उसमें जो है, क्या मैंने बोला आपसे और जो है चार्ज एंड रेडियस की वजह से तो अब जो है यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं ये लिथियम से मैग्नीशियम हो गया बेरिलियम से एल्यूमिनियम और ये जो है बोरान से सिलीडियम के रूप में आपने इसको लिखा हुआ है और क्या किया हुआ है जाना हुआ है

तो अपनी समान ध्रुवीकरण शक्ति अर्थात जो है हम कह सकते हैं कि आवेश त्रिज्या के कारण बिगड़ संबंध दिखाते हैं अब जो है फिर आप यहाँ पे बता सकते हैं कि जनरल कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ग्रुप्स अभी जो है अभी तक आपने किसके जो है कैरेक्टरिस्टिक्स देखे तो अभी जो है जो भी आपने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा वो किसका पढ़ा आपने वो आपने पढ़ा पीरियड्स का अब जो है हम कैरेक्टरिस्टिक्स जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स किसका पढ़ रहे हैं तो वो जो है जनरल कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप्स का पढ़ रहे हैं किसका

उसके पास समान बैलेंसी है जो समूह की संख्या पर निर्भर करते हैं एक समूह के तत्व तो उनके भौतिक गुणों में नियमित उन्नयन दिखाते हैं एक समूह के ऊपर से नीचे की ओर जाने पर क्या क्या वेरिएशन देखने को मिलता है तो वो चीजें आप यहाँ पे देखोगे तो कहा जा रहा है कि जब आप पीरियडिक टेबल में ऊपर से नीचे आते हो तो जो उसका एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज करता है ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू बैलेंस सेल अब जो है जैसे यहाँ पे लिथियम है तो लिथियम के लिए अगर जो है तुमको ये बनाना हो तो ये न्यूक्लियस होगा मान लो ये के सेल और ये जो है क्या एल सेल इसमें जो है आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन इलिथियम हो गया फिर मान लो ये सोडियम को लिख दे रहे ये न्यूक्लियस हो गया ये जो है के सेल ये आपका एल सेल और ये आपका क्या एम सेल अब जो है इसमें अगर सपोज है इलेक्ट्रॉनों को भर रहे हो तो ये देखो इसमें दो इलेक्ट्रॉन और इसमें जो है एक इलेक्ट्रॉन और इसमें जो है फिर क्या है दो इलेक्ट्रॉन इसमें जो है आठ इलेक्ट्रॉन दो तीन चार पाँच छ सात आठ और फिर इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है समझ में तो ये हम कह रहे हैं कि आयनिक रेडियस जो है जो एटॉमिक साइज है वो क्या करता है इंक्रीज करता है ड्यू टू एडिशन ऑफ अ सेल माने ये लि... आप एक ही ग्रुप के लीना ने की आप जानते हैं लीना ने की रब से फरियाद रब से फरियाद इस तरीके से कुछ है तो आप जो है यहाँ पे ये बता रहे हो कि जो आपका ये पार्ट है देखिए ये लिखा गया है मैंने आपसे कहा कि लीना ने की रब से क्या फरियाद तो इस तरीके से ये बात जो है आपको क्या किया जा रहा है यहाँ पे समझाया जा रहा है कि देखिए अब यहाँ पे क्या है लीना ने की रफ्त से क्या फरियाद इस तरीके से जो है चीजें हैं तो जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो ये जो है इनकी जो साइज है वो क्या कर रही है इंक्रीज कर रही है क्योंकि एक एक सेल जो है क्या कर रहा है इसमें बढ़ते जा रहा है फिर जो आयनिक रेडियस होता है आयनिक त्रिज्या होता है वो भी बढ़ता है जो मेटैलिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कह रहा है मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट इंक्रीज वो भी क्या करता है आपका बढ़ता है आयोनाइजेशन एनर्जी जो है क्या करता है इसमें ऊपर से नीचे आने पर डिक्रीज करता है अब यहाँ पे जो है, जो, जो है आयोनाइजेशन डिक्रीज करता है इलेक्ट्रोनिविटी जो है वो भी आपका क्या करता है डिक्रीज करता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी ऊपर से नीचे आने पर जो है इनके क्या करते हैं डिक्रीज करते हैं किसमें ग्रुप्स के अंदर जब आप जो है ट्रेवल करते हैं माने मूव करते हैं तो ये जो है कुछ जनरल फीचर्स हैं जनरल कुछ प्रॉपर्टीज है जिनको आप जानोगे अब जो है फिर मैंने आपको बताया था कि पीरियोडिक टेबल्स को आपने चार ब्लॉक में जो है क्या किया हुआ है तोड़ा हुआ है उसको रखा हुआ है वो कौन कौन से ब्लॉक है तो आप जानते हैं एस ब्लॉक पी ब्लॉक ब्लॉक डी और क्या एप ब्लॉक तो थोड़ी सी इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं एस ब्लॉक के बारे में थोड़ा पी ब्लॉक के बारे में डी ब्लॉक के बारे में और क्या एप ब्लॉक के बारे में तो अब हम देखते हैं सबसे पहले किसको तो ये कहा जा रहा है एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड एज ब्लॉक 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 पी डी एलिमेंट्स डिपेंड अपॉन जो है क्या इंटायर्स ऑफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन इनटू द क्या बोल सकते हैं इंटू द एस पी डी एंड एफ सबसे क्या होता है, ये कैसे जो है आप डिफाइन कर पाते हो कि कोई एलिमेंट एस का है पी का है डी का है या फिर क्या एफ का है तो वो हम कह सकते हैं देखिये यही बोला जा रहा है इंटायर द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटू जो है एस पी डी एंड क्या एफ जैसे अगर हम बात करें हाइड्रोजन की तो हाइड्रोजन का अगर लिखोगे आप तो वन यास वन हो जाएगा हिलियम का लिखोगे तो क्या हो जाएगा हिलियम का वन यास टू फिर लिथियम का अगर लिखोगे तो वन यस टू और क्या हो जाएगा टू यस वन ठीक ना फिर उसी तरीके से लिथियम के बाद बेरेलियम का वन यस टू टू यस टू और क्या टू पी हाँ टू यस टू बस हो गया फिर ये जो है बोरान का अगर लिखोगे तो वन एस टू टू एस टू और फिर क्या हो जाएगा टू पी वन ये पांच हो गया आ रहा समझ में ये चार ये तीन ये दो ये एक आ रहा समझ में आपको तो ये कहा जा रहा है कि जो आप यहाँ पे रखते हो जो आप कैटेगराइज करते हो एलिमेंट्स को वो जो है लास्ट इलेक्ट्रॉन जो आपके सबसेल में आते हैं उसी के बेसिस पे हम इसको क्या किए हुए कैटेगराइज किया तत्वों को एस पी डी एफ सबसेल में अंतिम इलेक्ट्रॉन के प्रवेश के आधार पर एस पीडीएफ ब्लॉक तत्वों के रूप में जो है क्या किया गया वर्गीकृत किया गया है एस ब्लॉक एलिमेंट्स इंक्लूड ऑल एल्केज मेटल्स एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल जो एल मैंने आपका एस ब्लॉक का एलिमेंट है मैंने आपको पहले ही बताया था कि पहला जो मैंने ग्रुप्स होता है और दूसरा ग्रुप होता है उसी को हम क्या बोलते हैं

कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स इंक्लूडेड ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप थर्टीन से लगाए अठारह तेरह से लगाए अठारह के जो भी तत्व हैं वो सब आपके क्या है ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं और इनके जो जनरल होते होते हैं हैं वो आपका NS2 से लगा NP6 तक जो है क्या होते है? भरते चले जाते हैं और कह रहे हैं कि द एलिमेंट्स ऑफ एस एंड पी ब्लॉक्स आर ऑल्सो कॉल्ड जो है नॉर्मल या फिर हम क्या बोल सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के नाम से जाना जाता है और फिर अब यहां पे कहा जा रहा है कि पी ब्लॉक तत्वों

तीन से लगा है बारह तक के सभी तत्व तो शामिल शामिल है इनका सामान्य जो इलेक्ट्रॉनिक है वो अभी है मैंने आपको बताया अब जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इंक्लूडेड लेंथ नाइट इसमें जो है एटॉमिक नंबर अंठावन से लेकर इकहत्तर तक और एक्टे जो है नब्बे से लेके एक सौ तीन तक तो नाउ टोटल हम बोल सकते है कि हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इज नोन एज कितने वन हंड्रेड फोर्टीन तो इस तरीके से ये चीजें आपको समझाया गया

आप इसको ये बोल सकते हैं कि अपनी अंतिम कक्षा से एस इलेक्ट्रॉन होने की इनकी प्रवृत्ति के कारण ये शक्तिशाली इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं मानी एस ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं एक तरीके से आप बोल सकते हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं मैंने उसमें पॉजिटिव चार्ज आते हैं इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं और दे एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं माने ये जो है अत्यधिक प्रतिक्रियाशील धातु हैं और ये एजेंट के रूप में क्या करते हैं काम करते हैं दे फॉर्म्स जो है स्टेबल नॉन वोलेटाइल एंड कलरलेस कंपाउंड इनके जो कंपाउंड होते हैं वो जो है स्टेबल बनते हैं नॉन बुलेटाइल बनते हैं और फिर कहा जा रहा है कलरलेस कंपाउंड और जो है दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं और फिर आप बोल सकते हैं कि दे आर आर जो है अल्कलाइन इन नेचर माने बेसिक नेचर के होते हैं छारी प्रवृत्ति के होते हैं तो ये चीजें जो है आपको बताई गई एस ब्लॉक के बारे में फिर उसी तरीके से आप कह रहे हैं कि मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पी पी ब्लॉक ब्लॉक के तत्वों के बारे में

जो भी पीब्लॉक्स के एलिमेंट है वो जनरली आपके क्या है नॉन मेटल्स को शो करते हैं because, ये बोला जा रहा है, हम बोल सकते हैं मेटल्स एंड well है, क्या नॉन मेटल्स तो ये कह रहे हैं कि ये जो है इलेक्ट्रॉन आमतौर पर गैर धातु होते हैं मैंने ये बोला और इसमें कुछ तत्व मेटेलाइड हैं आ, क्योंकि वे धातुओं के साथ साथ गैर अधातुओं और गैर धातुओं के रूप में व्यवहार करते हैं दे जनरली गेन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर लास्ट बैलेंस सेल माने ज्यादातर जो है जो पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करके अपनी बैलेंसी पूरी करते हैं तो जब जो है गेन करके कोई चीज लेते हैं तो उसपे कैसी टेंडेंसी आएगी माने उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये कह रहा है टेंडेंसी फॉर्म uh, जो है क्या एनायन माना के पॉजिटिव और आयन में जो है क्या आपका नेगेटिव तो नेगेटिवली चार्ज आयन आपको ये पता है और फिर कहा जा रहा है एलिमेंट to है वो क्या बनाते हैं आपके सिंपल कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं तो यही कहा जा रहा है कि to bond, bond, और ये कह सकते हैं विद एटम्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स माने कुछ जो है आपके क्या uh, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं वो भी जो है किससे मिल एस ब्लॉक के, के एलिमेंटो के साथ मिल करके जो है ये कुछ आयनिक कंपाउंड भी बनाते हैं अभी हम आगे देखेंगे कोवेलेंट कंपाउंड कंपाउंड क्या क्या होता है? क्या होता है है आयनिक हाँ जो आपका मैंने थर्ड पार्ट है इसमें केमिकल बॉन्डिंग उसके अंतर्गत हम ये सारी चीजें बताए आपको बताएंगे आगे अभी अब फिर यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि द ऑक्साइड्स ऑफ पी ब्लॉक्स एलिमेंट इन एसिडिक नेचर जो एस ब्लॉक के ऑक्साइड थे वो बेसिक नेचर के थे और ये जो है आपका किस नेचर का है एसिडिक बेसिक और एम्पोटोरिक नेचर के भी होते हैं तो एम्पोटोरिक माने जो एसिडिक और बेसिक दोनों से करते हैं। जो है, एन आज आज क्या? बेस फिर आपसे कहा जा रहा है कि पी ब्लॉक तत्वों के ऑक्साइड अम्लीय क्षारीय और क्या एम्पोटोरिक होते हैं एम्पोटोरिक ऑक्साइड जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड एक एसिडिक के साथ साथ क्षार के रूप में व्यवहार करते हैं फिर कह सकते हैं हम आपसे कि सम एलिमेंट्स ऑफ दिस ब्लॉक सच एज कार्बन एंड सिलिकॉन्स अंडरबोज हम बोल सकते हैं सिल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज ऑफ देयर एटम्स एंड बोल सकते हैं कि यूनिट टुगेदर टू फॉर्म लॉन्ग चैन ब्रांच चैन एंड साइक्लिक कंपाउंड तो दिस प्रॉपर्टीज कॉल्ड कैटिनेशन कैटिनेशन प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज की ही वजह से एक केमिस्ट्री का नया उत, नया उत्पत्ति हुआ जिसको हम बोल सकते हैं कि वही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनाने में इसी का रोल है माने कैटिनेशन प्रॉपर्टीज मीन्स होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज माने ये जो है क्या करता है कि ना तो शेयर करके ज्यादातर जो है ये क्या करते हैं माने शेयर करके जो है क्या करते हैं ये एक लंबा चैन बनाते हुए चले जाते हैं कार्बन के कंपाउंड माने इस तरीके से कार्बन 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 जुड़ते 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 ये क्या करता है लॉन्ग चैन बना है आ रहा इसी इसी को इसी को प्रॉपर्टीज हम क्या बोलते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टीज के नाम से जानते हैं तो यही कहा जा रहा है कार्बन और सिलिकॉन्स जैसे इस ब्लॉक में कुछ तत्व सेल्फ लिंकिंग से गुजरते हैं जो और इनके परमाणु जो है क्या करते हैं लंबी श्रृंखला या फिर हम बोल सकते हैं कि साखित श्रृंखला या फिर चक्रीय यौगिक बनाने के लिए एक साथ एकजुट होते हैं इन गुण को हम क्या बोल सकते हैं सेरेडीकरण कहा जाता है तो इस तरीके से ये आपने पी की कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखा अब यहाँ पे फिर आप जो है क्या देखोगे पी ब्लॉक के बाद डी ब्लॉक्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे तो जब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन ऑफ डी ब्लॉक्स एलिमेंट एन माइनस वन डी वन से लगाया जीरो तक और एनएस टू तो यही हमने कहा कि डी ब्लॉक तत्व का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक है वो कुछ इस तरीके से है इनके फिर हम बोल सकते हैं है, कहा जा रहा है जो डी जो जो ब्लॉक्स का एलिमेंट है ये वेरिएबल बैलेंसी शो करता है इसी की वजह से जो है ट्रांजिशन एलिमेंट इसको बोला जाता है इसको कलर्ड कंपाउंड के नाम से जानते हैं ये सारी चीजें जो है आप मैंने यहाँ पॉलिटेक्निक में बहुत थोड़ा सा चीजें पढ़ना है लेकिन अगर केमिस्ट्री से आपको जुड़े रहना है तो ये सारी चीजें आपको जो है अलग से पढ़ना होगा बात समझ रहो। तो यही कहा जा रहा है आपसे कि देर सो वेरिएबल बैलेंसी ड्यू टू जो है क्या माने इनकम्प्लीट फिलिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स फॉर एग्जाम्पल हैज जो है बैलेंसी वन एंड जो है क्यूप्रस जो है जो होगी वो टू होती है कंपाउंड तो ये कहा जा रहा है कि इनकी जो बैलेंसी होती है वो बैरी करती है

मैलिएबल uh, malleable, इसको पीट कर क्या करना माने सीट बना देना चादर बना लेना लेना फिर डक्टाइल नेचर माने वायर बना एंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसी की वजह से ये धातु माने ये सभी तत्व जो है धातु हैं इसलिए ये गर्मी और बिजली के नंदनीय और नमनीय और जो है अच्छे क्या कंडक्टर है? हैं वही जो है डक्टाइल और मैलिएबल नेचर को बता रहा है

तो यही कहा जा रहा है डी डी ऑर्बिटल में अप्रकाशित इलेक्ट्रॉनों के कारण ये पैरा मैग्नेटिक होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन द डी देयर एंड आर जो है क्या डीबिटल तो यही मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन की ही वजह से जो डी ब्लॉक डी ब्लॉक यही कहा जा रहा है आपसे डी डी ऑर्बिटल में अप्रकाशित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण इनके आयन और यौगिक जो है क्या होते हैं वो आपके कलर्ड होते हैं ड्यू टू बैकेंड डी ऑर्बिटल दे फॉर्म्स जो है कॉम्प्लेक्स सच एज

एलिमेंट डिक्रीज बट जो है कहा जा रहा है, कि है, जो है क्या करते? करते हैं। तो ये कुछ आपके जनरल फीचर एलिमेंट के अब हम देखेंगे के, तो अब यह कहा जा रहा है कि द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट वो क्या है आपका एन माइनस टू एफ वन से लगाए चौदह तक एन माइनस वन डी जीरो से लगाए वन तक और ये फिर क्या है आपका एम एस टू अभी जो है जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आपको मैंने दोनों लंबा लिखना नहीं है केवल एलिमेंट के बारे में लिखना है तो ये चीजें हम थोड़ा तो तो आपको बता हुए फिर आप यहाँ पे बता सकते हैं कि द लास्ट इलेक्ट्रॉन इन देर एज फिलडेड एन माइनस टू एफ ऑर्बिटल फिर आप बोल सकते हैं कि ये सभी uh, तत्व तो धातु हैं और इनके गलनांक और कथनांक क्या होते हैं हाई होते हैं तो मैंने आपसे यही बोला कि ऑल दीज एलिमेंट्स आर मेटल्स दे आर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आर क्या हाई

इन्हें जो है हम क्या बोल सकते हैं ट्रांस यूरेनिक तत्व तो कहा जाता है।, है तो इस तरीके से आपने जो है क्या किया कि जो आपका मेन फीचर था मैंने आपने सबसे पहले मेन जो है जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था उसको एक्सप्लेन किया हाँ उसमें जो है फिर जनरल उसके प्रॉपर्टीज क्या रहे उनकी जो है मैंने सिंपली जो है उसमें जो फीचर्स हैं किस तरीके से तत्वों को रखा गया उनके कैसे जो है माने बढ़ते हुए क्रम में जब आप माने ऊपर से नीचे आ रहे हो तब उसकी प्रॉपर्टीज क्या है जब लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो तब क्या उसकी जो है विशेषता है इसमें मेटल्स के क्या गुण होते हैं नॉन मेटल के क्या गुण होते हैं माने कब जो है माने इंक्रीज करता है जब ऊपर से नीचे आते हो या फिर लेफ्ट टू राइट मूव करते हो एटॉमिक साइज पे क्या प्रभाव पड़ता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है ये सारी चीज़ें जो है आपने एक एक करके सीखा और जो है फिर उसमें बताया गया कि जो पीरियोडिक टेबल्स है उसको चार ब्लॉक्स में आपने तोड़ रखा है एस ब्लॉक पी ब्लॉक डी ब्लॉक एफ ब्लॉक उनके जो है कुछ मेन मेन जो फीचर्स थे वो हमने आपको डिस्कस किया तो आज की क्लास में इतना ही थैंक यू क्लास ठीक है मिलते आपसे